वालेकुम, दिस इज मी अबैदुल्लाह, वेलकम टू अबैदुल्लाह व्लॉग। सो आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे है कि अभी आज व्लॉग में मैं स्टार्टिंग पे अकेला हूँ, जो कहते हैं ना प्री इवेंट सिनेरियो, वो आपको बताऊंगा। कल इंशाल्लाह ताला हमारा विंड ऑफ चेंज का प्रोग्राम बहुत ही मेगा इवेंट हो रहा है लाहौर का, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1500 की प्लस की बुकिंग हमने की है। तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, कल का इवेंट आपने देखना है लाजमी, इस व्लॉग को आपने मिस नहीं करना। ये इवेंट इसलिए मैं इतना एनर्जेटिक हूँ, कभी आपने सोचा आज मैं अकेला हूँ? देखो मेरे साइड पे कोई भी नहीं है, और पीछे बाल रूम पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं इतना एनर्जेटिक हूँ, एनर्जेटिक क्यों यार, देखो एक आपको बात बतानी थी, मेरे व्लॉग पे पीछे हिस्ट्री देख लो, जो जितने भी व्लॉग मैंने बनाए हैं ना, अगर जो मेरे पर्सनल व्लॉग्स होंगे ना उसमें मेरी एनर्जी डाउन होगी, लेकिन आज भी मैं बिल्कुल डेड पड़ा था इवेंट से आने से पहले, से ना ये भी बालूम आने से पहले मुझे मेडिसिन की सख्त ज़रूरत थी, बुखार भी था, टेम्परेचर था। लेकिन अल्लाह सुभान तआला के रस्ते में जब भी आप निकलो, अल्लाह इधर से गाइब से एनर्जी डालते हैं आप में, आप पुरजोश हो जाते हो लिटरली। आपको मेरा एक मिनट बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने इतनी एनर्जी डाल दी, मैं बुखार था मुझे, लेकिन मैंने एक थोड़ी सी मेडिसिन खाई और अल्लाह के रस्ते पर आ गया। तो अल्लाह सुभान तआला के रस्ते पर आप निकलोगे, अल्लाह मदद करेंगे इंशाल्लाह तआला। आपको एक मज़े की बात बताऊँगा, कल हमने जो 1500 बंदों का अरेंज किया हुआ है, उसको हमने जो खाना देना है, वो खाना उसके लिए हम प्री इवेंट जो सिनेरियो है उसको विजिट करने आए हैं, मेन्यू टेस्ट करने के लिए। मैं इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग आपको खाना दिखाऊंगा, हमारा जो मेन्यू इंशाल्लाह ताला जो हम कल पेश करेंगे तो बड़ा मज़े वाला है। फरीद की मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो नहीं आया, अब वो घर बैठ के मैं व्लॉग देखेगा और मैं अकेला खाना इंजॉय करूँगा। अपने पीछे अभी हमारे साथ अब्दुलरहमान भाई आएंगे, तो उनके साथ इंशाल्लाह ताला करेंगे, हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। कल आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रीवियसली इवेंट मैका इवेंट था लाहौर का, उसमें यूथ क्लब ने जो खाना सर्व किया था, इसी तरह आज भी हम प्री इवेंट का फूड टेस्टिंग करने के लिए आए हैं। तो हमारा जो मिशन ये था कि यार हम जितने भी हम ऑडियंस आ रही है हमारे पास, गेस्ट आ रहे हैं, उनको हम अच्छी क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें, अच्छा इन्वायरमेंट दें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज प्री विजिट था, तो आज हमने ये खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्राई किया। इधर हमारे अब्दुलरहमान भाई भी हैं, ये हेड कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला पूरी फोकस के साथ, वही सर हमारी कोशिश ये है कि हम ना जितनी भी हमारी ऑडियंस आएंगे, जितने भी गेस्ट आएंगे, उनको अच्छी क्वालिटी का फूड दें इंशाल्लाह। हमारे साथ रहेगा, बाकी इवेंट हम कल आपको शो करवाएंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग मॉर्निंग। सो आज हम रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एनर्जेटिक है, पुरजोश है, क्योंकि हमारा इवेंट मेगा इवेंट विंड्स ऑफ चेंज इज गोइंग टू हैपन नाउ एट 8 o'clock इंशाल्लाह ताला। सो हमने फजर पढ़ के रेडी हो गए, तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम हमारी पैकिंग है, तो आपको दिखाएंगे हमारे इवेंट पार्टनर्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। हमने कुछ उठना पड़ा, गला थोड़ा सा लाउडली नहीं होगा, बाकी इवेंट आपको दिखाएंगे गाड़ी में बैठ कर। ओके, टेक केयर, सिवान। तो जी हमारे इवेंट पार्टनर फरीद उद्दीन आ चुके हैं, सो हम इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी पहले हो चुका। ब्रो कैसा है जुनून आपके लिए? आज हम इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव हैं विंड ऑफ चेंज के लिए, तो देखो भाई की ड्रेसिंग देखो यार, पीछे देख रहे हैं, अच्छी सीन लग रहा है, कैसी कैसी सीखी है, अच्छी सीन से देखी है। चले यार चले, हम इससे पहले हमें आओ। ओके भाई, आदम आदम ने इंट्रोडक्शन तो कराया नहीं, ये बेचारा भी सोया हुआ है। मैं चार्जर वैसे लेके आया साथ, क्योंकि गाड़ी क्यों उड़ाओ, नो प्रॉब्लम, ये ना हो हम उड़ के अल्लाह के पास चले जाएं। चलें जी, सुभान अल्लाह जी, सखा रहा हाजा मुकुना लहु मुकरिनीन वई ना अला रबिना लहु कलिबुन, सुरा सलामी की हो जाओ ना। लो जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइट कम होगी तो हमारे चेहरे तो अच्छे नज़र आएंगे ना, फ्री का तो नज़र आ गया, ये तो आज पूरा यो बॉय बना हुआ है यार, लाइटों से फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे ही इतना खूबसूरत हूँ। माशाल्लाह भाई, इतने खूबसूरत है, इतने बिजी है, सुबह से लेसेस बांध रहे हैं गाड़ी में बैठ के। सो यार हम इंशाल्लाह ताला एनर्जेटिंग है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अल्लाह के रस्ते पर निकाल लेते हैं तो सुबह सुबह इतनी एनर्जी कि कहाँ किस में होती है, वैसे मूड ऑफ होता है लोगों का, हम अल्हम्दुलिल्लाह टू मच फ्रेश, क्योंकि हम अल्लाह के रस्ते पे जा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बैकअप से ना एनर्जी डाली होती है अल्लाह ने जब अल्लाह के रस्ते पे निकले। हाँ जी आदम, और कुछ कहना चाहोगे? यार बस कट कर दे भाई। ओके अभी तो व्लॉग स्टार्ट हुआ हमारा, भाई कह रहे कट कर दो यार। ओके चलो, ये मेरा नया स्टाइल है, ये मेरा नया स्टाइल है ऐसे खत्म करने का लोगों का बेचारा। जो हमने बाइक पिक करना है उधर से रिक्शे से, नहीं वो यूथ क्लब ऑफिस से, नहीं आना
ये हमारे सुनैन भाई हैं, वाइस ऑफिस में आ रहे हैं। तो अब्दुल्ला मकसूद ने फरीद, हाँ अब्दुल्ला ने था तो था ना, व्लॉग में आ गए भी भाई। यार जल्दी कर लो, जल्दी करो, नाश्ता रेडी हो गया। सुनैन भाई कैसे आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं व्लॉग में, देखिएगा ठीक है। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, अभी हम एक लड़के का वेट कर रहे हैं, अभी उनको कहा कि सुनैन भाई को कोई बात बता दो, व्लॉग अट्रैक्टिव बन जाए। आपके व्लॉग अट्रैक्टिव होते हैं, सो मैं थोड़ा खुश हो गया। मैं थोड़ा खुश हो गया, फ्री तो ऑलरेडी हमारा लेजेंड जी अब्दुलरहमान भाई। अब मैं कहाँ से अब्दुलरहमान यार, आप बता दो अब्दुलरहमान का मतलब रहमान का बंदा, हम सब मैं भी अब्दुलरहमान हूँ जी, ठीक है। वो भाई को कहा अब्दुलरहमान, लेकिन भाई ने माइंड कर लिया। तो आपने कहना था मैं लाइसेंस के बगैर चलाता हूँ। मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना, अच्छा हुआ नहीं मिला, उन्होंने ये पूछ लिया। अब्बा जी ने फिर बजानी थी कब से। आप मुझे ना कहना था पहले आप भी नहीं गाड़ी चलाते, आप चलाएंगे फिर। ओए होए, प्रो ड्राइविंग की कंकुर देख स्लीप मारी है वो यार। हाँ जी, वो शौकत अली चलाए यार। नाज़रीन आपको हमेशा अपनी कंपनी में ऐसे दो बादशाह, नाज़रीन आपको हमेशा ऐसी कंपनी में ना अपनी गैदरिंग में दो लड़के ऐसे जरूर होंगे जो हमेशा हर बात पे ना स्टडी को डिस्कस करते होंगे। यार असाइनमेंट डिस्कस करने अपने इवेंट पे जा रही हूँ, यूथ क्लब पे फील्ड्स ऑफ चेंज इतना इवेंट है। तो अभी हमने देखो इनकी बातों में आकर हम एक बंदे को ऊपर पे जाने लगे थे। नहीं नहीं, हम फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आपको रिलीज को जाने दो, या नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस 10 रिलीज हो जाती मे भी, तो उसका ट्रेलर मैंने ख्वाब में देख लिया। वैसे ख्वाब में नहीं, जाग रहे हैं। हाँ जाग में। अब इनका बहाना ये था कि इनको गाड़ी में बंदा नजर नहीं आया, मुझे ब्लैक चश्मे पहन के नजर आ गया, इनको नजर नहीं आया। इतनी सर्दी पड़ रही है, बाहर से धूप नजर नहीं आ रही आप में, कुछ नहीं आ रहा। नाज़रीन बगैर एसी की दुनिया में कितनी चास है ये ना। मेरा व्लॉग ना पेंडिंग हो जाना था, व्लॉग में मोबाइल उड़ जाता था भाई, कितना मजा आ रहा है। दास्तान आ रही है, दास्तान वो हमारा इंडिकेटर है, ग्रीन जोन से क्रॉस कर देनी हमने। इसके बाद स्पेशल ये मूड ऑन किया, ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने नेचुरल फिल्टर फिट किया हमारे ऊपर, वो सामने देखो हम प्यारे लग रहे हैं ना। आदम आप इस फिल्टर में देखो, लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, वो है नेचुरल फिल्टर। आदम बताओ ना, ये फिल्टर आपके ऊपर पड़ा है, ये अल्लाह ने फिल्टर। माशाल्लाह भाई इतने खूबसूरत है, एचीसीएन में लड़कियां प्रभास बुला के गोलगप्पे खिलाती हैं। वो आ गया, बालूम आ गया, सो हमारा इवेंट आ गया, तो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इधर जाएंगे, गालियाँ पड़ेंगी। इन हम पहुँच गए बालू में, अब जिस तरह शहर की मक्खियों के पास लोग आते हैं ना टर करके, मेरे पास लोग आएंगे कि हमें भी व्लॉग मिलाओ, इसमें से हम कुछ ओपन करने लगे हैं बच्चों के लिए। या ये ब्लॉग ये ओपन ही डिक्की आई थिंक सो, या मुझे पता था आप आ रहे हैं आपके वेलकम के लिए। देखें कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ उसमें सामान निकालना, ये हम कुछ निकालने लगे हैं बच्चों के लिए, ये हम सबको देंगे जब भूख लग रही हमारे वॉलंटियर को, ये हम पेश करेंगे। ये मैं भी दे रहा हूँ आपको, मैं भी आपको दे रहा हूँ। यार मेरा एक और रखा हुआ है ना अंदर, आप जूस ले चल।
नाजरीन हमारा आज ब्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, तो हम उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा इवेंट चल रहा है, तो इसके लिए हम आपको ये हमारे भाई को बहुत शौक था, ये भी आने लगे। कैसे आप ठीक हैं? आप इससे पहले कोई और आ जाए पीछे। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير فضيلة الشيخ محمد علي جابر رحمه الله إمام الحرم المكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। मैंने इस साल एक फीमेल स्टूडेंट थी उससे थोड़ी सी बहस हो रही है इस बात की अभी शी वाज सेइंग के फेमिनिज्म इज द वे फॉरवर्ड, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा इट इज द वे फॉरवर्ड, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा फैल जाएगी, आप देखोगे तो ये चीज आपकी तरह फैल जाएगी, बट राइट नाउ इट्स बीइंग चैलेंज्ड, इट्स नॉट स्प्रेडिंग, पाकिस्तान में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, व्हाट्स द रीजन? रीजन ये मुल्ले और मौलवी जो है वो
वाकया सुनाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस चीज की अहमियत कितनी ज्यादा है हमारे यहाँ। हम आमतौर पर बहुत आराम से इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी सदी हिजरी में, द थर्ड सेंचुरी ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, उसका एक बड़ा मशहूर मसला, अकीदे का मसला, जिसको खल्के कुरान का मसला कहा जाता है, ये वो मसला था कि जिसमें बहुत बड़े लोग इस मसले का, इस फितने का शिकार हो गए, क्योंकि इस ओपिनियन को एक पॉलिटिकल बैकिंग हासिल थी, पॉलिटिकल बैक थी, पॉलिटिकल सपोर्ट थी इस इशू को। वो क्या थी? मुतज़िला, जो अपने आप को रैशनलिस्ट कहते थे, जो अपने आप को लॉजिक बेस्ड थियोलॉजी को फॉलो करने वाले कहते थे, मुतज़िला ने ये ओपिनियन दिया और ये अकीदा प्रेजेंट किया कि कुरान मजीद ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह की सिफ्त नहीं है। तो उन्होंने इस इशू को इतना सीरियस बनाया और इस पर इतनी ज्यादा डिबेट्स भी की। अभी हमें टी ब्रेक मिली है और उसमें हमें ये चीज़ें थी यूज एनर्जेटिक, तो ये अभी खुद भी बैठ के खा रहे हैं, हम बैठ के खाने लगे। अल्लाह, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं। क्या खा रहे हो? हाफिज हूद रुकमान, ये हमारे जो ओरिजिनल डायरेक्टर है यूथ क्लब के, क्या नाम उनका? मुगेरा भाई, उनके छोटे भाई। खुद ये खाना है, ये चीज़ें खाते हैं यार। अभी ना हमें भी कुछ खाने दो, तो फिर वो नमकीन है, ये मीठा है, इसलिए हम बाइट अप करके फिर आपको बताएंगे। ठीक है, ليس أرجو سوى شربة من ياء
कोई वो भी अच्छी बात करते हम भी करते कई कई शाखे मिल जाए लेकिन हमारी जड़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसीलिए वो जब जिन कंक्लूजन में पहुंचते हैं वो डिफरेंट है और हम जिन कंक्लूजन में पहुंचते हैं वो डिफरेंट है। वहां पे वो कहते हैं सोशल कंसेंसस डिसाइड करेगा। तारीख गवाह है कि सोशल कंसेंसस अक्सर गलत हुआ। आप देखिए एडॉल्फ हिटलर के जमाने में सोशल कंसेंसस के साथ 6 मिलियन जूस को एग्जीक्यूट किया गया थ्रू गैस चैम्बर, थ्रू लीथल इंजेक्शन, थ्रू फायरिंग स्क्वाड। 6 मिलियन 60 लाख यहूदी मार दिया गया। एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड। इसी तरह से आप आगे देखें तो एंशिएंट रोम के अंदर कोलोसियम के अंदर ग्लैडियटोरियल कॉम्बैट होते थे जो ना क्रिश्चियन वुमेन चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल को गाजर मूली की तरफ काट देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग रेडी हैं जी? रेडी। आर यू गाइस रेडी? यस। आई सेड आर यू गाइस रेडी? यस। ओके 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 दैट वाज ग्रेट। ऑलराइट रेडी? LGBTQ नाउ सर। आप बताएंगे कि आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मेरा मैसेज उबैदुल्ला के लिए, ठीक है, क्योंकि उबैदुल्ला भी यूथ है माशाल्लाह और इंस्पिरेशन है यंग बॉयज़ के लिए। लेकिन जो यूथ के लिए मैसेज है वो ये है कि देखें, इंसान का जो ईमान है ना वो आपके दोस्त के ईमान पर होता है। तो अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी अच्छी कंपनी है, तो
आपका ईमान स्ट्रांग भी रहेगा और आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। अगर आप ऑन द अदर साइड देखेंगे आपके दूसरे दोस्त हैं जिनका ईमान भी नहीं अच्छा लेकिन उनको ईमान का मायने भी नहीं पता और उनकी ऐसी कंपनी है कि वो आपको अल्लाह से भी दूर करते हैं अपने आप से भी दूर करते हैं। क्योंकि इंसान जब अपने बारे में नहीं सोचता ना, इंसान को अपने बारे में एटलीस्ट सेल्फिश होना चाहिए कि मेरी एनर्जीज, मेरा वक्त, मेरा टाइम जो है वो अल्लाह के लिए है और अल्लाह सुभाना व तआला ने मुझे एक इमानत दी है तो मुझे अल्लाह के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। और जो आपकी कंपनी है वो आपकी अपनी चॉइस है, तो राइट कंपनी, राइट चॉइस, राइट दोस्त आपको इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन पर लेके जाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया। वैदुल्ला भाई को मैसेज देने लगे थे। वैदुल्ला के लिए मेरा मैसेज है वो ये है कि ये बस कर दो। टू मच भाई। हाँ जी, रास्ता है। नाश्ता के लिए कर दें, नाश्ता के लिए कर दें, नाश्ता के लिए कर दें। They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. Let me break it down right now for you. Si-da-wah is a call to you. It's an invitation to change your life. Calling you to see the truth. Back in the day I was living a lie. I was lost deep inside. Then I got another chance with my life. I was guided back to Islam. They wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. What is the benefit of hanging in the streets, acting bad like you wanna run? अगर हम इनको क्या देते कि अपने आप को कत्ल कर दो, देखना या ऐसा क्यों होता है? ये अपने घरों को छोड़ दो, जो तुम्हारे आबाद घर है उनको छोड़ दो, तो इनमें से ना अक्सरियत हमें हमारी बात ना मानती, एक्सेप्ट थोड़े लोगों की, बहुत थोड़े लोग हमारी बात मानते हैं। और अगर ये लोग हमारे बात मानते लगा ना खैर अल्लाहुम, ये इनके लिए बहुत बेहतर होता। अच्छा यहाँ पे ना बताना, एक हमें ना एक चीज समझा रहे हैं, पता है वो क्या है, बड़ी डीप है समझने वाली, वो ये कि अगर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अपने आप को कत्ल कर दो और अपने घरों को छोड़ दो, तो अक्सर ना करते सिवाय थोड़े लोगों के, मगर जो लोग करते हैं ना उनके लिए खैर का बाश होता है। तो ट्रस्ट अल्लाह ऑर्डर, ट्रस्ट अल्लाह प्लान। इस आयत में अल्लाह ने हुक्म दी कि अल्लाह के हुक्म को ट्रस्ट करना है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है। और पिछली आयत में पहले अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी को ट्रस्ट करना है, अपना ट्रस्ट बाद में लेके आए और मेरे नबी। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे आप? ठीक हैं जी। आज हमारा मेगा इवेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ आप यूथ को मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली इस इवेंट को करने का मकसद ये है कि हम फैमिलीज़ को यहाँ पे इंगेज करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ आएँ, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, तो दावा का एक प्लेटफॉर्म है। और बेसिकली तो हम ज़्यादा ये जो फैमिली फंक्शन है कम करते हैं, लेकिन ये जो फैमिली फंक्शन है साल में एक दफ़ा होता है मेगा इवेंट हमारा। और तकरीबन हम इस दफ़ा का जो हमारा इवेंट था वो 1800 लोगों को हमने इंगेज किया है इसमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट आएगा, जब भी होता है आप लोग जरूर आए, इंशाल्लाह अपने दिलों को जो है ना अली भाई सर आज ये हमारा ब्लॉग बन रहा है सर। अरे सर आप क्या देना, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आ जाए आप ना। नहीं नहीं मेरा हो गया बस। आ जाए आ जाए सर, आपका भी एक मैसेज है। आप लोग मैं चलना, हम करते रहते हैं, आप लोग करें। इवेंट खत्म हो गया हमारा यार, ये भी हमारी फीडबैक स्टार्ट हो जाएगी इवेंट के साथ। ये सबसे पहले फीडबैक किस पर लाना? अपने आप फीडबैक ही छोड़ें, सबसे पहले उबैदुल्ला भाई को देखें, अभी डबल डबल काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अच्छा जी, वैसे मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं पीछे हो रहा हूँ आप में। तो हाँ सर, देखो देखो Thank you.
भाई साहब। हाँ जी बिलाल भाई, कैसे आप जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूँ। कैसा लगा आपको इवेंट? शेख जबरदस्त, मजा आ गया। मजा आ गया, बड़ा बेहतरीन। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? शेख बहुत अच्छा, वेल मैनेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। वॉलंटियर्स का जज्बा बहुत अच्छा था और लोगों ने और भाइयों ने बड़ी तो क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट के बारे में, इसमें क्या ऐड करें हम? ठीक, इसके अंदर बस हम ये कर सकते हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, हम बड़ा फन करने लगे जी। उठाओ उठाओ, ये हमारे व्लॉग में आएगा। जल्दी जल्दी, एक मिनट आपके पास, आगे जल्दी जल्दी भाई, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं जल्दी, बस एक ही यार, इतने ज्यादा है, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, एक और लो जी नाजरीन, हम डिप्रेशन दूर करते हैं गुब्बारे फटाकर, लेकिन गुब्बारे फटाते बता दें क्या हुआ था? फट गए। ये इतनी मैं कहूँगा। चलो जी, हमारा इवेंट बहुत अच्छा रहा है, आज हम वापस जा रहे हैं और आप वापस जा रहे हैं घर, जा रहे हैं आगे से लेफ्ट होना हमने इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छा इवेंट, कोई भी हमारा जो लोकल मस्जिद का वगैरह है तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। आ चुका है वैसे, कहाँ आना है? नहीं, अभी आप देखोगे फिर आगे। ओके, हमारे साथ रहेगा, हम व्लॉगिंग करने लगे हैं। See you, bye bye, Allah Hafiz. Ubaidullah bhai, lockup mein se gudar chuka hai.